नमस्कार, आप देख रहे हैं सेट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 9 बुलबुल, कक्षा 2 हिंदी के प्रश्न उत्तर। शुरू करते हैं। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तीन पिक्चर दी गई है। इनमें से जो भी चित्र बुलबुल का है, आपको उस चित्र के ऊपर गोला लगाना है। आंसर, पहला चित्र बुलबुल का है, अतः उस पर गोला लगाओ। मैंने बुलबुल को उसकी पूंछ से पहचाना। वह आगे से लाल रंग की थी तथा पूंछ का आखिरी सिरा सफ़ेद रंग का था। साथ ही उसके सिर को देखा जो काले रंग का था। इन सब बातों से बुलबुल को सरलता से पहचाना जा सकता है, या बुलबुल को पहचानना सरल हो गया। प्रश्न नंबर 2, सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। उत्तर, मोर, हुदहुद और मुर्गा। मोर की कलगी गहरा नीला रंग होता है। हुदहुद के सिर पर जो कलगी होती है वह गहरी पीली और काली धारियों वाली होती है। मुर्गे की कलगी लाल होती है। प्रश्न नंबर 3, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। उत्तर, सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। इसे कवि कुर्बानी तथा बलिदान के प्रतीक के रूप में लेते हैं, इसीलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। सिपाही बुलबुल की गर्दन तथा कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। इसे कवि कुर्बानी तथा बलिदान के प्रतीक के रूप में लेते हैं, इसीलिए इन्हें सिपाही बुलबुल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। उत्तर, इसमें निम्नलिखित 3 बातें होती है। पहली बात, इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा, इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है। और तीसरा, इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। एक बार फिर से देखते हैं। इसकी पूंछ का आखिरी भाग सफ़ेद रंग का होता है, इसके पूंछ का भीतरी भाग लाल रंग का होता है और इसका शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। प्रश्न नंबर 5, बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीजों से बना है, पता करो। उत्तर, हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी पतली सलाखों से बनता है। आपको याद रखना है कि हमारा घर ईंट, बजरी, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की मोटी पतली सलाखों से बनता है। प्रश्न नंबर 6, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है। तुम्हें क्या क्या पसंद है। उत्तर, बुलबुल खाने में कीड़े, फल आदि खाना पसंद करती है। मुझे गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, पिज्जा आदि खाना पसंद है। फिर से देखते हैं। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है और तुम्हें क्या क्या पसंद है। उत्तर, बुलबुल खाने में कीड़े, फल, सब्जी आदि खाना पसंद करती है, लेकिन मुझे गाजर, मटर, गाजर का हलवा, गोभी के पराठे, पिज्जा आदि खाना बहुत पसंद है। प्रश्न नंबर 7, बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुमसे कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है, कब कब बोलता है। उत्तर,
जब उसकी कोई बात नहीं सुनता। तरुण, तरुण हमसे ऊंची आवाज में बोलता है, और कब बोलता है? जब उसकी कोई बात नहीं सुनता तब वह ऊंची आवाज में बोलता है। माला भी हमसे ऊंची आवाज में बोलती है, जब उसे कुछ मांगना होता है तब वह ऊंची आवाज में बोलती है। श्वेती का गोपाल, जब वह गाना गाती है तो ऊंची आवाज में गाती है। गोपाल, जब उसे गुस्सा आता है तब वह ऊंची आवाज में बोलता है। फिर से देखते हैं, तरुण जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तब ऊंची आवाज में बोलता है। माला, जब उसे कुछ मांगना होता है तब वह ऊंची आवाज में बोलती है। श्वेतिका, जब वह गाना गाती है तो ऊंची आवाज में गाती है। गोपाल, जब उसे गुस्सा आता है तो वह बहुत तेज आवाज में बोलता है। प्रश्न नंबर 8, यहां पर बताया गया है, कुछ पंक्तियां दी गई है, उन पंक्तियों को पढ़कर आपको पक्षियों के नाम बताने हैं। उत्तर, मैं काली हूं मीठा गाना गाती हूं, तो उत्तर होगा कोयल। मैं हरा हूं लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूं, उत्तर तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पांव है, लंबे लंबे दांत हैं, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूं, मोर। घरों में आता हूं सारी चीजें कुतर जाता हूं, चूहा। फिर से देखते हैं, मैं काली हूं मीठा गाना गाती हूं, कौन होता है? कोयल। मैं हरा हूं लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूं, सॉरी पहले वाला। मैं काली हूं मीठा गाना गाती हूं, कोयल। मैं हरा हूं लाल मिर्च, हरी मिर्च खाता हूं, लाल मेरी चोंच है, तोता। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पांव है, लंबे लंबे दांत हैं, हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूं, मोर। घरों में आता हूं सारी चीजें कुतर जाता हूं, चूहा। प्रश्न नंबर 9, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो, तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो, उत्तर तोता। कविता का नाम है तोता। टैटे का शब्द सुना, झट से बाहर में निकला, देखा पेड़ पर बैठा हरे रंग का एक तोता, लाल चोंच पर मिर्ची थी, उसकी चोंच की जैसी थी, मेरे मन भाया वो, पर हाथ नहीं आया वो। फिर से पढ़ते हैं, टेटे का शब्द सुना, झट से बाहर में निकला, देखा पेड़ पर बैठा हरे रंग का एक तोता, लाल चोंच पर मिर्ची थी, उसके चोंच की जैसी थी, मेरे मन भाया वो, पर हाथ नहीं आया वो। प्रश्न नंबर 10, बुलबुल तोता चिड़िया कबूतर पक्षी कहलाते हैं, नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं? लिखो, उत्तर गोभी आलू भिंडी, इन्हें सब्जी कहते हैं। संतरा केला सेब, इन्हें फल कहते हैं। गाय हाथी कुत्ता, इन्हें जानवर कहते हैं। मूंग चना अरहर, इन्हें दालें कहते हैं। फिर से देखते हैं, आलू भिंडी गोभी सब्जी कहलाती है, संतरा केला सेब फल कहलाते हैं, हाथी गाय कुत्ता जानवर कहलाते हैं, मूंग चना अरहर दालें कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सतीश 9718951981। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।